अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टार मिस्टर इंडिया की को आइकॉनिक फिल्म माना जाता है। इसे हर एज ग्रुप के दर्शकों ने खासा पसंद किया। इनका निर्देशन शेखर कपूर ने किया था। फिल्म के एक्शन को वीरू देवगन ने कोरियोग्राफ किया। बीते 27 मई को वीरू देवगन का निधन हो गया। फिल्म को रिलीज हुए 32 साल हो चुके। अनिल कपूर ने तस्वीरों का एक कोलज बनाकर वीरू को श्रद्धांजलि दी। अनिल ने कैप्शन में लिखा, बच्चों की अनुकूल एक्शन सीन में मिस्टर इंडिया को आइकॉनिक बना दिया। मैं फिल्म की 32वीं एनिवर्सरी को उस व्यक्ति को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने इस अविस्मरणीय पलों को संभव बनाया। वीरू देवगन एक शानदार इंसान थे और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इसके साथ काम करने का मौका मिला। बता दें कि इस फिल्म में अनिल कपूर ने वरुण वर्मा का किरदार निभाया था, जो अनाथ बच्चों के देखभाल करता था। फिल्म में उन्हें एक साइंटिफिक डिवाइजर मिलता है, जिसका उपयोग वह गायब हो जाता है। बता दें आप सभी लोगों को कि डिवाइजर की मदद से वह विलेन मोगैम्बो से बच्चों की सुरक्षा करता है। फिल्म में अमरीश पुरी भी मोगैम्बो के रोल में नजर आए थे। जी हाँ, अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर आखिरी बार एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म में नजर आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक औसत साबित हुई, जिसमें उन्होंने बेटी फोम्बो सोनम कपूर की के पिता का किरदार निभाया। फिल्म में राजकुमार राव और जूही चावला में मुख्य रोल में थे। बता दें इन दिनों अनिल मलंग फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। ये एक मल्टी स्टार फिल्म है और उसका निर्देशन मोहित सूरी कर रहे हैं। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।